जदों मैं छोटा ही सगा तो मैं गुरुआं बारे बहुत जानना चाहुंदा सगा और गुरुआं बारे पढ़ता भी बहुत किताबा हुंदा सगा और जदों साडे घर ग्रंथ भी आउंदी सी उस वेले मैं बड़ा प्यार दे नाल गौर दे नाल सुनदा सगा कि ग्रंथ ही की पढ़ रहा है और की कह रहा है और बड़े प्यार दे नाल ग्रंथियां नाल भी गल्लां करदा हुंदा सगा कि मैं होर भी धर्म बारे जाण सकां अपने गुरुआं बारे जाण सकां। और जदों मैं 13-14 सालों का सगा तो मैं गुरुद्वारे भी जाके बहुत सारी सेवा करनी शुरू कर दिती कि मैं जिन्नी भी सेवा हो सके करा। तो जो ग्रंथियों दसते होंगे कि साडू नरक च और ज स्वर्ग च भी जाना पैना आ और धर्म बारे गल करते कि जोड़े धर्मी लोग आ जोड़े ज़्यादा धर्मी काम करे वह स्वर्ग में जाएंगे तो जहाँ के थोड़े धर्मी काम आ नरक में जाएंगे। तो मैं यही सोचता हूँ सगा कि जोड़े मैं काम किए जो धर्मी काम किए काफ़ी आ कि नहीं। और एक बार मेरा स्कूल फ्रेंड भी आया और वह क्रिश्चन सगा तो आके मैं कह लगा कि तू मेरे गुरु बारे जान। मैं क्या मैं गोरियां के गुरु बारे नहीं जानना चाहता, ये तो गोरियां का गुरु है, मैं नहीं ये बारे जानना चाहता, तू मैनू दस इस बारे। और इस तरह होया कि एक दिन मैं गुरुद्वारे वापस आ रहा थी घर में, तो जो घर आ रहा सगा तो रस्ते दे विच ही थोड़े जे लोग गीत गा रहे थे तो मैं उसे रुक गया, रुक के गीत सुन लग पिया। तो फिर मैं उन्होंने पूछा कि तू क्यों गा रहे हैं गीत। उन्होंने कहा कि असी तो यसू बारे गीत गा रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। मैं कहा तुम होर कोई काम ही नहीं हो? तो कहते नहीं नहीं असं टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, असं प्रभु यसू मसीह बारे दस रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। और जे तुम भी यसू बारे जानना चाहते हैं तो संडे साडे मीटिंग हो रही है, उत्थे आयो। तो मैं सोचने लगा कि मैनू जान की तो जरूरत नहीं, पर इन्हां गोरियां साडे गुरु बारे कुछ नहीं पता, इन्हां नूं कोई ज्ञान नहीं, तो इन्हों जाके असं दसांगे। तो मैं अपने दोस्त भी नाल लै लिया, मैं क्या आप जाके इन्होंने समझाने साडा यही एम सगा कि जाके चंगा आर्ग्यूमेंट करांगे, चंगी तरह उन्होंने समझावांगे तो उन्होंने भी थोड़ी जी अकल आ जाए। जब अं दोनों जने चर्च के गए तो उत्थे जाके उन्होंने साडा स्वागत किया, वेलकम किया और वह गीत गाउन लग पाए। गीतों की तो मैं समझ नहीं लगी, तो उस तो पहले होर भी कई कुछ उन्होंने किया, उन्होंने भी नहीं मैं समझ आई। तो उन्हें प्रचार करना शुरू किया और दसन लगा कि परमेश्वर ने सानू इन्ना प्यार किया और परमेश्वर ने मैनू इन्ना प्यार किया और साडे इदा लगता है कि वह मेरे गल कर रहा है, कहना भी तेनू इन्ना प्यार किया। तो मैं कहा कि परमेश्वर ने जो प्यार किया तो उन्हें की करके दिखाया? उन्हें कहा कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा साडे लिए इस दुनिया में भेजा और उसने मार खाधी और उन्हें सोली दी गई और वो फिर वो जी उठा और उन्हें साडे पापा का गुनाह अपने उत्ते चक लिया। और मैं इस तरह सुनता रहा और फिर उसने कहा कि जे तुसी भी परमेश्वर की संतान, तुसी भी उसके बेटे बेटियां बनने चाहते हैं तो तुसी अपने आप का पापा का इनकार करो और परमेश्वर अगे आके गोडे टेक के उन्हें कहो कि मेरे गुनाह तो मैं माफ़ कर दे और मेरे जीवन च आ जा। और उस वेले मैं उस वेले अपना पहले हाथ तां कीता कि मेरे लिए तुसी प्रार्थना करो और फिर मैं उठ के अगे जाके दुआ की, प्रार्थना की कि प्रभु मैनू तेरी लोड़ आ, मैं धर्मी काम तो बहुत करके देख लिया पर हजे तक मैनू ये यकीन नहीं आ रहा कि मेरे धर्मी काम काफ़ी होणगे, पर जे तू कहना आ कि मैं तेरे गुनाहों नू माफ़ कर दूंगा तो मैं ये मानना गल। और उस वेले मेरे इदा लगा कि बहुत सारा बोझ, बहुत सारा भार मेरे शरीर चों बाहर निकलिया तो मैं बहुत हल्का हो गया और घर नू मैं उस वेले गीत गाँवता गया, भजन गाँवता गया। मैं कभी भजन सीखे भी नहीं सके पर मेरे दिल चों इन्ने गीत निकल रहे थे, उस वेले इन्नी आवाज़ निकल रही थी कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करदा कि मेरा सारा बोझ तू चक लिया है। और इस तरह प्रभु यसू मसीह नू मैं हुण इस वेले अपना मुक्तिदाता मन्निया आ। उन्हें कहा सी कि मैं तेनू अपना बेटा बना लिया है। सो इस तरह मैं जदों भी परमेश्वर दे अगे आउंदा आ उहनू हमेशा पिता कह के पुकारदा आ और पिता कह के प्रार्थना करदा आ, हमेशा ही उन्हें अपना पिता हुण जानदा आ, कभी भी ये नहीं सोचता कि रब बड़ी दूर आ। रब हुण इस वेले मेरे अंदर आ, वह मेरे नाल आ और हमेशा मेरे नाल। मेरा नाम सुरेंद्र आ, हुण मैं परमेश्वर नूं पिता करके जानदा हां।